हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 के, यानी पॉलिटिकल साइंस का जो लेक्चर नंबर 2 है आज हम उसको कवर करने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 को हमने कवर कर लिया है और उसमें हमने 20 क्वेश्चन को कवर किया है विथ कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। तो आपने अब तक यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के उस वीडियो को देखिए, कंप्लीट कीजिए, उसके बाद वहाँ से आगे 20 नंबर 1 क्वेश्चन से आप जो है आगे स्टार्ट करिए। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां से आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसी के साथ हम लोग पहुंचते हैं अपने टॉपिक पे और देखेंगे हमारा क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं और क्वेश्चंस को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और किस किस क्वेश्चंस के तहत कौन कौन से फैक्ट और कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, पहुँचते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति है। इंग्लिश में देख लीजिए, विच इज द मेथड ऑफ स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जो राजनीति विज्ञान की अध्ययन की पद्धति है वो कौन कौन सी है। ऑप्शन में है आगमनात्मक, निगमनात्मक, सादृश्यात्मक और उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना, ऑल ऑफ दिस, जैसे आगमनात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति और सादृश्यात्मक पद्धति, ये तीनों के तीनों ही पद्धतियों के द्वारा राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसको आपको याद रखने की जरूरत है। थोड़ा सा हम लोग देख लें, आगमनात्मक पद्धति जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें विशिष्ट चीज़ों को सरल बना दिया जाता है। ठीक है, विशिष्ट चीज़ों को सरल बना के अध्ययन किया जाता है। और ये जो निगमनात्मक पद्धति है इसमें सरल चीज़ों को विशिष्ट बना करके अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और सादृश्यात्मक पद्धति के अंतर्गत वे सभी विधियां आ जाती हैं जिसके अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सॉरी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान की पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रबल समर्थक है। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का मतलब यह है कि उसका हर तरीके से हमें निरीक्षण करना है, यानी कि पर्यवेक्षण करने का मतलब क्या होता है कि किसी राजनीति विज्ञान की किसी भी टर्म्स, किसी भी पद या फिर किसी भी बिंदु का हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसके सभी पक्षों को हम लोग एक बार निरीक्षण कर लेते हैं, उसके बाद अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन यही कह रहा है, हु इज द स्ट्रॉन्ग एडवोकेट इज द ऑब्जर्वेशनल मेथड, यानी कि पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा कि क्या इस तरीके से अध्ययन करना सही होगा, नहीं सही होगा, या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका पर्यवेक्षणात्मक पद्धति। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस। क्या हो जाएगा, लॉर्ड ब्राइस के द्वारा जो है पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का समर्थन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है ना, अब तक हमने बात की 4 प्रकार की पद्धति, आगमनात्मक, निगमनात्मक, सादृश्यात्मक और पर्यवेक्षणात्मक। 4 पद्धतियां आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आगमनात्मक के बारे में यदि हम बता दें तो उसमें होता क्या है कि विशिष्ट से सरल करके किसी भी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और निगमनात्मक में क्या होता है, उसी सरल चीज़ों को विशिष्ट बना के अध्ययन किया जाता है। सादृश्यात्मक में सभी दृश्यों को देख करके अध्ययन किया जाता है और पर्यवेक्षणात्मक में मतलब उसका निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने के बाद जो उसका निष्कर्ष निकलता है उस हिसाब से अध्ययन करने की पद्धति जो होती है, जो विधि होती है वो पर्यवेक्षणात्मक विधि होती है। ठीक है ना, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है यह कथन किसका है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, द स्टेटमेंट पॉलिटिकल साइंस इज दैट ब्रांच ऑफ द सोशल साइंस दैट डील विद द प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है राज्य और सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। ये किसने कहा है, पॉल जेनेट ने कहा है। तो राजनीति विज्ञान को सरकार और राज्य के अंतर्गत अगर अध्ययन करने की कोई बात करता है तो वो कौन करते हैं, तो पॉल जेनेट करते हैं। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर 4 पॉल जेनेट। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों में आगमनात्मक पद्धति का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रॉल्स। आगमनात्मक पद्धति के बारे में अभी जस्ट हमने बताया, आगमनात्मक पद्धति वो होती है जिसमें किसी भी जो विशिष्ट चीज होती है उसको सरल बना करके हम लोग अध्ययन करते हैं, चाहे वो कितनी भी विशिष्ट हो उसको सरल तरीके से समझा देना, बता देना, इस तरीके से उसका अध्ययन करने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग बोलते हैं आगमनात्मक पद्धति। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई भी बातें आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट, कोई फैक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको फिर क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। हु फर्स्ट यूज द टर्म्स पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान भी कहा है, अधिपति विज्ञान, और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है, और सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से, यानी वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार सबसे पहले राजनीति का अध्ययन किसी ने करने का प्रयास किया, तो वो किया था अरस्तु ने। ठीक है ना, तो अरस्तु के बारे में आप इतना फैक्ट याद रखिए, चूंकि इनको जनक भी कहा जाता है इसीलिए राजनीति विज्ञान में ये सबसे इंपॉर्टेंट विद्वान हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में की जा सकती है, यह किसने कहा है? Who said the definition of political science can be as the science of the state? ठीक है ना, यानी कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा जो है राज्य के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। सही आंसर हो जाएगा गेटेल महोदय। गेटेल महोदय ने राजनीति विज्ञान को राज्य की परिभाषा बताया है, यानी कि उन्होंने कहा है कि यदि राज्य का हम लोग अध्ययन करते हैं तब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं, और राजनीति विज्ञान की परिभाषा यदि आप ढूंढना चाहते हैं तो आप राज्य की परिभाषा ढूंढ लीजिए, वो राजनीति विज्ञान की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है ना, तो कथन क्या है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। आपका सही आंसर हो जाएगा गेटल महोदय। ठीक है, क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र का जनक कौन है? फिर से एक बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, आपका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है ना, आप इसको सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार का अध्ययन है? ठीक है ना, तो राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन है, इसको भी गिलक्राइस्ट ने कहा है। ठीक है ना, इसको आप सही कर लीजिएगा, गिलक्राइस्ट, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, यह किसने कहा है कि राजनीति अवांछितों की शरणस्थली है? Who said political is the last refuge of the scoundrels? ठीक है ना, यानी कि क्या कह रहा है कि राजनीति अवांछितों की शरणस्थली है। अवांछित की शरणस्थली किसने बताया है? तो इसको बताया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। ठीक है ना, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक ऐसे विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि यदि राजनीति की हम लोग बात करें तो राजनीति जो है अवांछितों की शरणस्थली है, यानी कि राजनीति में वो लोग आते हैं जो पूरी तरीके से अवांछित के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी कथन आपको याद रखने की जरूरत है, और ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, द स्टेटमेंट विदाउट रिलीजन देयर कैन बी नो पॉलिटिक्स इज एसोसिएट विथ, यानी कि राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन
महात्मा गांधी जी का है। किसका है? महात्मा गांधी जी का है। इन्होंने कहा है कि बिना धर्म के किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होती है, यानी राजनीति और धर्म को जोड़ने का काम, एक साथ जोड़ने का काम जो किया है वो महात्मा गांधी जी ने किया है। ये क्वेश्चंस आपको याद रखने की जरूरत है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यह कथन किसका है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, हु स्टेट्स पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस रिलेटेड टू द गवर्नमेंट्स, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से संबंधित है। हिंदी में देख लीजिए, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लीकॉक। लीकॉक महोदय जो है इन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान जो है वो सरकार से संबंधित विद्या है। अगर आप राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो आप सरकार का अध्ययन करेंगे, और सरकार के अध्ययन जब करते हैं तो उसी की विद्या के रूप में हम राजनीति विज्ञान को जानेंगे। तो ये भी कथन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीकॉक। तो इसको भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसने राजनीति को अवांछितों की अंतिम शरणस्थली कहकर आलोचना की है। ध्यान दीजिए, आलोचना किया गया है, मतलब कहा गया है कि राजनीति में वही जाते हैं जो किसी काम के नहीं होते, जिनके लिए अंत में कुछ भी नहीं बचता है वो होता है, उनके लिए होता है राजनीति। किसने कहा ये? तो इस जो है कहे हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है ना। इन्होंने राजनीति की आलोचना की है। देखिए कह रहा, हु स्टेट पॉलिटिकल इज द लार्ज रिफ्यूज्ड ऑफ द अनक्वालिफाइड, यानी कि जो किसी काम के नहीं होते हैं वो राजनीति में जाते हैं, ऐसा कहना है किसका? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और चूंकि इसको जो है आलोचना की गई है, किसकी आलोचना की गई है? राजनीति की आलोचना की गई है। तो अब तक हमको जो है एक कथन ये मिल गया जो आलोचना से संबंधित था। इसके पहले हमने जितने कथन पढ़े हैं, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़े हैं, उसमें किसी भी प्रकार का आलोचना नहीं आया था, और पहली बार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बताया कि राजनीति जो विज्ञान है वो क्या है भाई, राजनीति को अवांछितों की अंतिम शरणस्थली कहकर आलोचना की है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आलोचना से संबंधित पहला ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% एग्जाम में छपने के चांसेस हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको कट कर दीजिए, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, उसी का है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। यहाँ पे आप लगा सकते हैं, चलिए नहीं लगाया कोई बात नहीं है। द वर्ड्स लिबर्टी इज ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स, मतलब लैटिन वर्ड्स का कौन सा वो वर्ड्स है, लैटिन भाषा का कौन सा वो शब्द है, कौन सा वो वर्ड्स है जहाँ से लिबर्टी निकल कर के आया है। आपका सही आंसर हो जाएगा लीवर शब्द। क्या हो जाएगा? लीवर, ठीक है। लिबर शब्द से जो है आपका लिबर्टी निकल करके आया है। सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा इंग्लिश में मिस्टेक हो गया है। आपका यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा लिबर शब्द से निकल करके आया है। इंग्लिश में भी आप लोग लिबर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में, तो थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन, प्लेटो के अनुसार राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति है। आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आगमनात्मक पद्धति। कौन सी? आगमनात्मक पद्धति। इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द स्टडी मेथड ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज, क्या हो जाएगा? इंडक्टिव हो जाएगा, यानी कि आगमनात्मक पद्धति। आगमनात्मक पद्धति के बारे में एक बार हमने बताया था, फिर से एक बार जान लीजिए, किसी भी विशिष्ट ऑब्जेक्ट को, किसी भी विशिष्ट कॉन्सेप्ट को अगर आप सरल भाषा में समझा देते हैं, सरल भाषा में ला करके उसका अध्ययन करते हैं, तो वही कहलाता है आगमनात्मक पद्धति। तो प्लेटो जो है, प्लेटो
जो राजनीति का अध्ययन करते हैं तो वो आगमनात्मक पद्धति के अनुसार करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है। क्या है? राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है। हु स्टेटमेंट इज पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर साइंस। किसने कहा है, किसका कथन है? सही आंसर हो जाएगा, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु। अरस्तु ने यही बात कही है। अरस्तु ने कहा है कि राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है। सबसे बड़ा विज्ञान अगर कोई है, सर्वोत्तम विज्ञान कोई अगर है, तो वह है राजनीति विज्ञान। ये किसका कहना है? ये अरस्तु का कहना है, जो कि राजनीति विज्ञान के जनक भी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चंस याद रखिए, 100% ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कह रहा है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स जो है ये आपका ग्राहम वाल्स की रचना है। ठीक है ना, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स इज द वर्क ऑफ ग्राहम वाल्स। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है स्टेटमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टेटमेंट पुस्तक के लेखक हो जाएंगे प्लेटो। प्लेटो के द्वारा स्टेटमेंट पुस्तक की रचना की गई है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्टेटमेंट? स्टेटमेंट पुस्तक की रचना किसने की है? तो प्लेटो महोदय ने की है। एक पुस्तक और इन्होंने लिखा था जिसका नाम है रिपब्लिक। क्या नाम है? रिपब्लिक। ठीक है, क्वेश्चंस ये भी आ सकता है कि रिपब्लिक पुस्तक की रचना किसने की है, ठीक है, और स्टेटमेंट पुस्तक की रचना की है। दोनों का आंसर हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो महोदय ने रिपब्लिक पुस्तक की भी रचना की है और स्टेटमेंट पुस्तक की भी रचना की है। ये दोनों के दोनों फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वह पुस्तक जिसमें हॉब्स ने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया है। सही आंसर हो जाएगा आपका लिव्याथन। क्या हो जाएगा? लिव्याथन। ठीक है ना, इंग्लिश में देख लीजिए, इन द बुक वेयर हॉब्स प्रपोज द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाट इज इट्स नेम। उस पुस्तक का क्या नाम है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? लिव्याथन हो जाएगा। तो लिव्याथन एक ऐसा बुक है, एक ऐसी किताब है जिसमें सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया गया है। सामाजिक समझौता, ठीक है ना। अच्छा, सामाजिक समझौता होता क्या है इसको भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? वर्तमान समय में जब पूरी तरीके से सारी चीज़ें प्राकृतिक अवस्था में थी, तो उस समय होता क्या था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही कॉन्सेप्ट चलता था। अब इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? भाई जिसके पास बल होगा, जिसके पास ज़्यादा पावर होगा, वो क्या करेगा, अपना बल प्रयोग करके किसी पर भी कब्जा कर लेता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ये कॉन्सेप्ट में जब बदलाव आने की कोशिश की गई, तो हुआ क्या कि सभी लोग मिल करके क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं जो थोड़ा बलशाली है, और उसको अपना सारा शक्ति दे देते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, हम अपनी सारी शक्ति आपको देते हैं, आप क्या करिए, हमारे अधिकारों की रक्षा करिए, जो हमारी संपत्ति है उसकी रक्षा करिए। ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि शुरू में जो कॉन्सेप्ट था जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसको तोड़ करके, उसको खत्म करके यही कॉन्सेप्ट लागू किया गया और सभी लोगों में समझौता हुआ, और इसी को कहा गया सामाजिक समझौता सिद्धांत। और इस सामाजिक समझौता सिद्धांत से तीन लोग संबंधित है, पहला है हॉब्स, दूसरा लॉक और तीसरा रूसो। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों ऐसे विद्वान हैं जो सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है ना, एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जो सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हॉब्स, लॉक और रूसो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, मतलब क्वेश्चंस का मतलब यह है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था था कैसा, तो निरंतर युद्ध का था। इंग्लिश में देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू हॉब्स द नेचुरल स्टेट इन हो जाएगा
प्रेपरल्स वार, ठीक है ना, प्रेपरल्स वार, ठीक है ना, यानी निरंतर युद्ध, कंटिन्यू वहाँ पे जो वार है वो चल रहा है। किसके किसके बीच वार चल रहा है? तो ये जो वार चल रहा है उन व्यक्तियों के बीच में वार चल रहा है जो वर्तमान में प्राकृतिक अवस्था में प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है। और उसी के बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसमें शक्तियों का जो बलशाली व्यक्ति होता है उसको दे दिया जाता है और देने के बाद कहा जाता है कि आप हमारी शक्तियों की रक्षा करें। और उसी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे निकल करके वो आज वर्तमान समय में हमारे पास लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट हमारे सामने विद्यमान है जिसे हम लोग इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अगला क्वेश्चन है हाब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो हाब्स की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है लिवियाथन। क्या है? लिवियाथन एक ऐसी बुक है जो हाब्स के द्वारा लिखी गई है और हाब्स ने इसी पुस्तक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी विचारधाराएं थी, जिनकी जो इनके विचार थे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित थे, इन्होंने दिया था इसी पुस्तक में दिया था। और इस पुस्तक के फेमस होते ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जितने भी थॉट थे, जितने भी विचार थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सामने आ गए, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिवियाथन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा किसने दी है? तो अरस्तु ने दी है। सर्वोत्तम विज्ञान, सर्वोत्तम विज्ञान, सर्वोच्च विज्ञान, ये दोनों की दोनों बातें किसने कही है? ये दोनों की दोनों बातें अरस्तु महोदय ने कही है। किसके बारे में? राजनीति विज्ञान के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्प्रिट ऑफ द लॉज, स्प्रिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। द रोट ऑफ द बुक स्प्रिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू, कौन हो जाएंगे? मॉन्टेस्क्यू, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। देखिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है और इन्होंने कहा है कि देखिए जो भी प्रभु सत्ता शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जैसे सरकार है, सरकार है तो सरकार को तीन अंग जो होते हैं, इन तीनों अंगों में क्या करिए आप शक्ति को विभाजित कर दीजिए। ऐसा कर देने की वजह से शक्ति जो होती है, जो प्रभुसत्ता शक्ति होती है वो संतुलित रहेगी। किसी एक व्यक्ति के पास जो प्रभुसत्ता शक्ति है नहीं विद्यमान रहेगी और किसी भी प्रकार से निरंकुशता, जिसे हम लोग निरंकुश शासन व्यवस्था कहते हैं, वो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, निरंकुशता, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो लागू किया गया था द स्प्रिट ऑफ लॉज, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है। आपका लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक आपने टारगेट गुरुकुल को ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लें क्योंकि आपको पीडीएफ पाने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, तब तक के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से आप जाएँ टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करें। बाय।